नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 700 लाइक का टारगेट इस वीडियो के ऊपर रखा है। जल्दी 700 लाइक पूरे कंप्लीट कर दीजिए। पिछली वीडियो पर सबसे पहले जो कमेंट आए थे वो सुजीत जी के आए थे सबसे पहले, उसके बाद जो है जगदीश जी और फिर मोनू और फिर धर्मवीर और उसके बाद है समायरा सांगवान जी का। ये 5 टॉप 5 कमेंट सबसे पहले आए थे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि आज होगी दोस्तों 7 तारीख और दोस्तों कल मैंने आईडी चेक नहीं की, कल हमारे तो तोसाम साइड से भत्ता अपलोड हो चुका है 6 अप्रैल को। आप देख सकते हैं आज 7 तारीख है, 6 अप्रैल को भत्ता अपलोड हो चुका है और आप भी देख सकते हैं। और आज जो है बहुत सारे बच्चों का भत्ता भी अपलोड हुआ है। आप ये देखेंगे कि ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हिसार से नवनीत जी ने हमारे पास ये सेंड किया है, तो हिसार से रहते हैं वो, तो यहाँ पर 7 तारीख को अपलोड हिसार वालों का कर दिया है। आप देख सकते हैं कि भिवानी वालों का 6 तारीख का हो गया, हिसार वालों का 7 तारीख का हो गया। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का, किसी का कल हो गया, किसी का आज हो गया होगा, किसी ने मेरी तरह आईडी चेक नहीं की होगी। जैसे मैंने कल आईडी चेक नहीं की, अगर मैंने कल चेक की होती तो मैं कल ही बता देता कि भाई भत्ता अपलोड हो चुका है, लेकिन आज 7 तारीख हो चुकी है, आज भी भत्ता अपलोड हुआ है, मतलब कल से स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसे कि अखबार की फुटेज भी आई थी और जैसा कि मैंने भी बताया था कि भाई 10 तारीख तक सैलरी आएगी या इसके बाद आएगी, तो 10 तारीख के बीच अगर वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आया था उस हिसाब से आपको जानकारी दे दी थी। तो दोस्तों आज भत्ता अपलोड हुआ है, किसी का कल हुआ है, तो हो सकता है कि 10 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाए, जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से, जैसे कि नोटिफिकेशन आया था अपने पास। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एक बार अपनी अपनी आई डी चेक कर लो और मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ भाई हम भिवानी से हैं, झज्जर से हैं, जींद से हैं, कत्थल से, जो भी हो, हमारा भत्ता अपलोड हुआ है, या फिर जो जिसका नहीं हुआ तो बता दो, हम कुरुक्षेत्र यमुनानगर जो भी है हमारा भत्ता अपलोड नहीं हुआ, अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपना बताना है पता कि हमें हमारा भत्ता अपलोड नहीं हुआ है या फिर हमारा हो गया। सभी एक एक कमेंट जरूर से जरूर करें, साथी सभी साथी याद करके, और फिर आप एक अनुमान लगा लें कि अब की बार सैलरी 10 तारीख तक ही आ जाएगी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया था ना उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि 6 तारीख को 7 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो 7 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट होता तो हो सकता कि 8 तारीख को भी आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो 7 तारीख के हिसाब से बता रहा था, तो 7 तारीख आज हो चुकी है, हो सकता है शाम तक पैसे आ जाएं, लेकिन जो मैंने अपने हिसाब से बताई थी वो आप लोगों को बताई थी कि 10 तारीख के बाद ही आपके खाते में सैलरी आएगी। उस हिसाब से देखो, हमारा तो कल अपलोड हो गया था, लेकिन किन बच्चों का आज अपलोड हुआ है, हो सकता है किसी बच्चों का अपलोड हुआ ही ना हो, उनका कल या परसों अपलोड हो जाए, तो ऐसे में सभी का डिस्ट्रिक्ट का एवरेज मान के चलना पड़ता है, किसी के 2 दिन पहले आ गए तो किसी 2 दिन बाद आ गए, तो टोटल उसका एवरेज मिला करके मैंने 10 तारीख आप लोगों को एकदम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी थी। उस हिसाब से आपके पास 10 तारीख से पहले सैलरी नहीं आएगी, 10 तारीख से बाद बहुत अक्सर देखने के लिए मिल जाएगी कि मतलब इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट ही बचेंगे जिसमें सैलरी ना सेंड की जाई हो, तो उसके बाद सभी की सैलरी आ जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर दोस्तों सभी प्लीज़ एक एक कमेंट जरूर करें अपनी डिस्ट्रिक्ट और बता दें कि हमारा भत्ता अपलोड हो चुका है, जल्दी से भाई आईडी चेक मार दो, आपका भत्ता अपलोड हो चुका है, आपकी सैलरी आ जाएगी, पिछले मंथ की और उससे पिछले मंथ की 2 मंथ की सैलरी पेंडिंग है, 2 मंथ की सैलरी मेरी खुद की भी पेंडिंग है। ये देखिए कौन सी है, इसमें तो अच्छी तरह नहीं दिख रहा, ये देखिए ये तो फरवरी की सैलरी पेंडिंग है, ये नहीं आई है, 1 मार्च की सैलरी पेंडिंग है, ये भी नहीं आई है, इसका मतलब 3,000 रुपये आने वाले हैं, और जिसके जो पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चा है उसके 6,000 तो ऐसे ही होगी, और बाकी भाई अगर 7.5 ले रहे हैं तो 15,000, किसी के 9 ले रहे तो 18,000 रुपये अब की बार आने वाले हैं। और आप लोगों को पता ही है कि भाई अब फिलहाल के लिए सभी सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, हालांकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसी जो महामारी आती है उसमें पैसे की कमी पड़ जाती है, सभी को सैलरी सभी को देनी पड़ती है, जो इनकम है वो रुक जाती है, रेलगाड़ी बस यात्रा और जो पेट्रोल पंप हो गए, काफ़ी सारी एरोप्लेन टाइप कुछ भी मान लो, जो मोटे मोटे जहाँ से सरकार को कमाई आती थी वो तो रुकी गए, और सरकार लगातार ये पैसे ही खर्च कर रही है कुछ आदमियों पे, कुछ किसी को खाना खिला रही है, किसी को क्या कर रही है, उस हिसाब से सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है, ऊपर से जो सरकारी कर्मचारी उनको सैलरी देनी ही पड़ती है, चाहे आंधी आओ या तूफान आओ, तभी तो बोलते हैं भाई नौकरी तो नौकरी हो, आंधी आओ तूफान आओ, रुपये तारे रुपये तो भिन्नार दिन खड़े हैं, उसी हिसाब से दुनिया नौकरी करा भाई, नहीं तो घर पर कोई बैठ जाता समझ के बात ना। चलो बाय बाय।